इतना बड़ा इवेंट है और ये दूसरा सीजन है, तो ज़्यादा उम्मीदें भी बहुत ऊपर तक गई होंगी, तो कितना मुश्किल था इसको मैनेज करना, कितना आसान? देखिए, हर काम में मुश्किलात तो होती हैं, और लेकिन आप अगर साथ सही हो, आपकी टीम अच्छी हो और मैनेजमेंट अच्छी हो, तो आप टाइमलाइन एक बना लेते हैं और क्या क्या मुश्किलात आएंगी, कैसे कैसे उसको हटाना है, तो हमने टाइम लिया, बहुत जल्दी में कोई काम नहीं किया और आज हम इस मौके पे पहुंच चुके हैं कि थोड़े से दिन रह गए केपीएल 2 सीज़न का आगाज़ होने जा रहा है। मुश्किलात बहुत सारी हुई, टाइम बहुत शॉर्ट था, एनओसी का वेट करते रहे, वो मिली, फिर उसके बाद ड्राफ्ट जो दूसरी फ्रेंचाइज हैं या लीग हैं 2 महीने लगाती हैं, हमें 15 डेज़ का टाइम मिला जो कि नामुमकिन था। हमारी टीम ने उसको भी अच्छी तरीके से अंजाम दिया और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट भी, वो भी कल हो जाएंगे तो हमारी टीम कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद 3 तारीख से टीम इस्लामाबाद आना शुरू हो रही हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करेंगी, और 13 तारीख से इंशाल्लाह केपीएल 2 सीज़न स्टार्ट हो रहा है। केपीएल ग्लोबली बहुत प्रोमिनेंट लीग हो गई है, अगर हम ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आपने मुश्किलात का तो जिक्र कर लिया, मुझे ये बताएं कि टैलेंट हंटिंग कश्मीर में और जो क्रिकेट पे जब हम बात करते हैं एज ए क्रिकेटर भी, तो कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट है? देखिए, थोड़ा इश्यूज हमें एनओसी के, एक ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि विदाउट पीसीबी के एनओसी हम वहाँ पे टैलेंट हंट या डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं कर सकते। दूसरी फ्रेंचाइज हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, वो कर सकती हैं। तो हमने यही सोचा है कि नेक्स्ट ईयर हम 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम करें पूरे कश्मीर में, चाहे मीरपुर हो, कोटली हो, रावलाकोट हो, कहीं पे भी हो, हम 2 प्रोग्राम करें और वहाँ से हम बेहतरीन प्लेयर्स उठाएं, और स्टेट ऑफ द आर्ट एक एकेडमी हम मुजफ्फराबाद में बनाते हैं या मीरपुर में बनाते हैं, ये हमारा एम है और इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे।